यातायात माह के अंतर्गत एसपी ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस लाइन स्थित व्हाइट हाउस सभागार में यातायात जागरूकता एवं जीवन रक्षा के अंतर्गत डॉक्टर अजय कुमार शुक्ला के द्वारा नए बैच के 108 उपनिरीक्षक आर्ची पुरुष आर्ची महिला कर्मियों को बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंतर्गत CPR का प्रशिक्षण दिलाया गया, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने बताया कि CPR की जानकारी पुलिस के साथ हर नागरिक को भी जानना जरूरी है। अगर कहीं पर किसी प्रकार की दुर्घटना होने पर सबसे पहले पुलिस ही मौके पर पहुंचती है, इसलिए पुलिस को CPR एवं बेसिक लाइफ सपोर्ट को जानना बहुत ही जरूरी है। इस प्रशिक्षण के द्वारा अपने आप को और परिवार वालों की जान तथा ड्यूटी के दौरान कोई दुर्घटना होने पर दूसरों की जान बचाई जा सकती है, इसलिए यह प्रशिक्षण नए बैच के जवानों को जानना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी जवान यातायात नियमों का पालन करें तथा अपने परिवार रिश्तेदार को सही से यातायात नियमों का पालन करवाएं और यातायात नियमों का पालन करके एक आदर्श पुलिसकर्मी का उदाहरण प्रस्तुत करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह ने कहा, तो एटलीस्ट अगर कोई न्यू पर्सन भी आता है वो अपने सवाल करता है, उसका जवाब होंगे कि CPR कैसे किया जाता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सीने में दबाव दिया जाता है उसका तरीका क्या है, कितना दबाव देते हैं, कैसे दबाव देते हैं। जी बताइए। कुछ मैं बोलूंगा। अच्छा, मैंने आपका जनरल ओरिएंटेशन किया था कि पुलिस में हम लोगों को ड्यूटी के दौरान, किसी भी ड्यूटी के दौरान अथवा VIP ड्यूटी के दौरान, और हमारी सामान्य वेशभूषा व्यवहार और आचरण किस तरीके का होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पुलिस में लंबी सेवा देनी है, अगले 35-40 साल तक आप लोग डिपार्टमेंट में रहेंगे, इसलिए आप लोगों के लिए डॉक्टर अजय शुक्ला ने हम लोगों पर कृपा की है और हमेशा पुलिस के सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप इतनी देर के लेक्चर में समझ भी गए होंगे कि इस चीज की सिर्फ ड्यूटी के दौरान नहीं, आपके घर परिवार में कहीं भीड़ में कोई फंक्शन में किसी को शुगर की बीमारी है, कोई वैसे शरीर से कमजोर है, कभी भी किसी के लिए दिक्कत आ सकती है, कोई शादी ब्याह में बेहोश हो सकता है, तो आपके लिए जिसके लिए BSL बताया गया है, BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट, जिसके अंदर CPR शामिल है, जिसको इंग्लिश में कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन बोलते हैं। रिसस्टिटेशन काफ़ी टफ वर्ड है मेडिकल टर्म है, जो कि आप लोगों के लिए बोलना या थाना आवश्यक नहीं है। आप लोग सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कृत्रिम श्वास कैसे देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इसकी कभी भी घर में भी आवश्यकता पड़ सकती है और आपके लिए ड्यूटी के दौरान भी आवश्यकता पड़ सकती है। किसी के बारे में ऑलरेडी डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कोई आप पर किसी प्रकार का आरोप ना लगा दे, या आप खड़े हैं कोई डिफरेंट सेक्स का व्यक्ति बेहोश पड़ा हुआ है तो उसी सेक्स के लोग सीखे। और इसी के साथ अब मैं 2-3 चीज़ें आपको ऐड कर दूं जो मैंने पिछली बार भी आपको बताई थी, जिसके बारे में इधर कितना वीडियोज हम लोग बहुत ही बारीकी से चश्मा लगा कर देखते हैं कि पुलिस अधिकारी कर्मचारी कहाँ पर कौन सी गलती कर रहा है। कभी आप लोग बीमार की या डेड बॉडी को समझाते हुए कि लोग हेलमेट को अच्छे से बांधे, आप अपने हाथ से बांधिए, उनको बताइए कि श्रीमान जी हेलमेट को बांध लीजिए, बनाते हुए फोटो वीडियो अपना शेयर करिए ताकि ट्रैफिक अवेयरनेस मंथ चल रहा है उसमें धामेश्वर का भी योगदान मेरे पास था। गोरखपुर पुलिस में सेवा में जो हमारे नए जवान आए हैं, महिला कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल और नए सब इंस्पेक्टर्स, उनके लिए बुलाकर डॉक्टर अजय शुक्ला बॉम्बे हॉस्पिटल के सौजन से यातायात माह के अंतर्गत उनके लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट और कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसको आम भाषा में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसका इनके लिए प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण, ये जानकारी पुलिस कर्मियों के साथ साथ हर नागरिक को जानना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली ऐसा होता है कि दुर्घटना के मौके पर सबसे पहले पुलिस ही पहुंचती है, तो पुलिस के लिए आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना और बेसिक लाइफ सपोर्ट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसी उद्देश्य से नए बैच के जवानों के लिए ये जानकारी
दी गई ये जानकारी इन जवानों के लिए जहां इनके स्वयं के जीवन में उपयोगी होगी, उसी के साथ साथ ड्यूटी के दौरान जहां नागरिक दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, कोई कैजुअल्टी हो जाती है, तो वहां भी घायल नागरिकों का जान बचाने में इससे मदद मिलेगी और समाज के लिए हम एक वेलफेयर का कार्य कर पाएंगे। सर, यातायात के बारे में जागरूक किया गया है? देखिए, ये कार्यक्रम जो BSL, BLS और CPR का दिया गया है, ये यातायात जागरूकता का ही पार्ट है और इसी के साथ साथ यातायात संबंधी जो जनरल टिप्स हैं वो भी मैंने पुलिस कर्मियों को बताई कि ट्रैफिक रूल्स का स्वयं भी पालन करें और अपने फैमिली मेंबर से भी पालन कराएं। एनफोर्समेंट कराना तो आपकी जिम्मेदारी है ही, इसके साथ साथ सबसे पहले स्वयं के लिए एक उत्कृष्ट ट्रैफिक रूल्स को मानने वाले पुलिसकर्मी के रूप में स्वयं का उदाहरण प्रस्तुत करें, ताकि आपके क्षेत्र में अच्छा संदेश जाए कि इस थाना क्षेत्र की, इस जनपद की जो पुलिस है वो स्वयं भी सारे ट्रैफिक रूल्स का पालन करती है। थैंक यू।